लेकिन जनता को क्या लगता है, जो मुफ्त की बात होती है, मुफ्त में ये ले लो, मुफ्त में वो ले लो, तो क्या ऐसी सरकारें आपको चाहिए जो मुफ्त में आप लोगों को चीजें बांटे? भैया आगे आ जाओ, वहाँ से नारे मत लगाओ, जिसको बोलना है माइक पर आकर बोलो। ऐसे बोलो। देखिए मैं मध्य प्रदेश रीवा से आता हूँ। मैडम ने अभी जो मामा जी की योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, लाडली बहना योजना का, मैं ये जानना चाहता हूँ इन्होंने ये जो योजना 212-250 रुपए जो दे रहे हैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, क्यों ये योजना को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये प्रलोभन लोगों के बीच में लेकर आए। और इसमें एक चीज ये नहीं क्लियर किए हैं कि ये पैसा इन्होंने मतलब किस योजना के तहत कब तक में ये कहाँ तक ले जाके ये देंगे, इन्होंने कोई डेटा ऐसा मतलब फिक्स नहीं किया है कि 1250 रुपए ये चुनाव तक ही देंगे, चुनाव के बाद ही देंगे। अब देखिए मैं मैडम मैं अपना बता रहा हूँ, मैं एमएससी जियोलॉजी रिसर्च डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क कर चुका हूँ खनिज विभाग में। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट था, अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं दिल्ली में ठेला भी लगाया, पकौड़ा भी तला, ठीक है ना, लेकिन यहाँ वो भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। हमेशा पुलिस वालों को 4000 दो, जिसका जहाँ लगाए वहाँ परेशान कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास कोई भी बड़ी बात कह रहे हैं कि एक एमएससी किया हुआ युवक जो है वो पकौड़े बेच रहा है, वो ठेला लगा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कब सोचेंगे? देखिए मैं पहले तो कुछ बातें यहाँ पे की गई हैं, मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो कि इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। कांग्रेसी हमारे सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने कोई वो नहीं किया। मैं आपको बता दूं जो संघ के संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार, 1925 में उन्होंने संघ की स्थापना की, वो पहले कांग्रेस के मेंबर थे। जनसंघ की स्थापना की जिस व्यक्ति ने, वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री था और प्रौद्योगिकी मंत्री था, उन्होंने सारी बड़ी बड़ी चीजें की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतिहास को सही तरीके से समझा जाए। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि इनके नेताओं ने बहुत बलिदान किए। आप देखिए खालिस्तान की समस्या किसने शुरू की थी, इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। आप देखिए लिट्टे की समस्या किसने शुरू की थी, इंदिरा गांधी ने शुरू की थी। अगर ये लोग मारे गए तो ये अपने कुकृत्यों के कारण मारे गए, अपनी गलत नीतियों के कारण मारे गए, तो इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। ठीक है, इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता है। कौन क्या अपनी बात रखना चाहता है संयमित होकर के? 50 साल एक छत्तर राज जिस पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया, जो एक एम्स बनाकर दूसरा एम्स बना दे, बता दे हमने दूसरे एम्स की नींव आटे की थी और हमने अपने कार्य 50 साल के कार्यकाल में क्यों बनाया? क्यों दिल्ली के पुल नहीं नजर आते जो इंदिरा गांधी ने बनवाए थे? मैं दिल्ली के पुल की बात, जो शीला दीक्षित ने बनवाए थे, शीला दीक्षित, और जो पकौड़े तलने की बात करते मैं नाम नहीं लेता। तो एक कांग्रेस का अध्यक्ष जो इधर जमुना पार से आते थे, उनके लेआउट बिकते हैं, उनके बालू, शीला दीक्षित का क्या हुआ काम, याद है या नहीं याद है? देखिए शीला दीक्षित के 20 एमएलए विपक्ष के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, मजबूत विपक्ष था, तो फ्लाई ओवर बनाया तो एहसान नहीं करा उनको, आज भी जनता याद करी, आज वो सुरग में है, हम यहाँ पे खड़े हो गए, उनको मना नहीं करते। जो डेवलपमेंट किया तो विपक्ष का मुद्दा था, तो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, और कांग्रेस ने जो कार्य ना किए तो उसका खामियां भुगत रहे, आज छाती पीट रहे, आज जनता को कह रहे कि आ जाते हैं सुबह से खड़े होकर पकौड़े तलना को क्या बता, हल्दीराम वाले के जाके वहाँ क्यों खाते हैं? वो जो टाटा की ब्रिस्टोन की कॉफी कौन में 5 स्टार में बात करते हैं महंगाई की, 5 स्टार में जाकर 250 रुपए की एक चाय पीकर चर्चा करते हैं, 17000 रुपए का एक रूम लेकर बेरोजगार की बात करते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र चित्र है और जनता ने बाहर किया है। ठीक है बोलो भैया क्या बोलना चाहते हो? देखिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम फ्रीबी की जो बात करते हैं तो इसको जनरलाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन फ्री मिल रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो राशन बांटा जा रहा है, गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है, इन सब चीजों को फ्री नहीं देना चाहिए। खाली हेल्थ और एजुकेशन छोड़ के कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक युवा का सुझाव है कि हेल्थ और एजुकेशन तो फ्री में चलेगा लेकिन बाकी चीजें फ्री में नहीं चलेंगी, सही है ये? देखिए हमारा मानना ये है फ्री दो पर जिसको जरूरत है उसको दो, जो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, तगड़ा है, काम कर सकता है, उसको रोजगार दो। कोई लाचार है, कोई बूढ़ी माँ है, कोई सहारा नहीं है, आप उसको दो फ्री, कोई गुनाह नहीं है, देना भी चाहिए अगर है तो सरकार के पास। पर ये जो मैं केजरीवाल जी की बात करूंगा, ऐसा तो आता है हमारे समर्थक में है, फ्री का उनका फार्मूला क्या है? हमारे बहनों को माताओं को फ्री है, अब माता का पति भी है, माता का दोस्त भी है, माता का भाई भी है, माता का पिता भी है, उससे 3 गुना है, ये फ्री का फार्मूला नहीं चलेगा।